यथार्थ गीता है, ये वही गीता है जिसमें लोग कसम खा के अपने क्या होता है कि संविधान की रक्षा करते हैं, जिसमें कसम करके खा के अगर देखा जाए तो लोग क्या दिन आ गया कि गीता को लेकर आप जिस तरह से चौराहे पे खड़े हैं, लता मंगेशकर ये चौराहा है बोल रहा है, इतनी हाई सिक्योरिटी लगी हुई है, इसके बावजूद इस स्थल पर इस धर्मनगरी में आकर के लोगों को क्या मिल रहा, ज्ञान का दीपक, क्या बात है, बहुत अच्छी यशस्वी प्रधानमंत्री कहते तो हैं कि पढ़ेगा इंडिया तो पढ़ेगा इंडिया, लेकिन कब तक पढ़ेगा इंडिया। ऐसे आप डिजिटल युग योगी जी भी आए थे, योगी जी के साथ अभी थे और भागवत मोदी जी भी है और अशोक सिंगल भी है। किताबों की कहानियां खत्म हो रही है, आप देख रहे हैं बच्चे डिजिटल युग में पल रहे हैं। अगर आज के बच्चों को बताया जाए कि बेटा किताब उठाओ तो नहीं उठा पाते, लेकिन ऐसे महाराज को आप गौर से देख लीजिए, ये वही महाराज है। और गीता की अगर बात कर लिया जाए तो गीता कभी लुप्त नहीं होगा, गीता हमेशा अगर बात किया तो उज्ज्वल था, उज्ज्वल है, उज्ज्वल रहेगा। महाराज जी के हाथों में यथार्थ गीता है, ये वही गीता है जिसमें लोग कसम खा के अपने क्या होता है कि संविधान की रक्षा करते हैं, जिसमें कसम करके खा के अगर देखा जाए तो लोग क्या होता है कि सही सही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अगर बात कर लिया जाए तो क्या आज ऐसा दिन आ गया कि गीता को लेकर आप जिस तरह से चौराहे पे खड़े हैं, लता मंगेशकर ये चौराहा है, चौराहे पे आप खड़े हैं, वजह क्या है महाराज? पहले तो स्वागत है आपका। मैं सोहम बाबा परमहंस आश्रम से आया हुआ हूँ जी, और हम चाहते हैं कि पूरे विश्व के जो निगाहें अयोध्या धाम पर हैं जी, अजस्त मर्यादा पुरुषोत्तम की ये पावन नगरी है जी जी, तो पूरे देश के लोग जो आ रहे हैं जी, 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है जी, इतनी हाई सिक्योरिटी लगी हुई है जी, इसके बावजूद इस स्थल पर इस धर्मनगरी में आकर के लोगों को क्या मिल रहा है जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। श्रद्धा तो अपनी जगह पर है, बिल्कुल बिल्कुल, एक आना चाहिए सबको, बिल्कुल धार्मिक नगरी है, बिल्कुल विश्व का सबसे धार्मिक नगरी प्रसिद्ध, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस स्थल पर आकर के लोगों को मैं चाहता हूँ ताकि यहाँ से लौट के जाएं तो अपने घरों में जो यहाँ पर अभी 22 तारीख को जो दीपक जलाया जाएगा, तो इस दीपक के जलाने के साथ साथ ज्ञान का दीपक, क्या बात है, बहुत अच्छी उन्होंने प्रधानमंत्री कहते तो हैं कि पढ़ेगा इंडिया तो पढ़ेगा इंडिया, लेकिन कब तक पढ़ेगा इंडिया। ऐसे आप डिजिटल युग में चलते हैं, अगर आज के बच्चों के हाथों में मोबाइल जिस तरह से, जब तक हाथ में किताब नहीं आएगा, जब तक गीता नहीं आएगा तो कैसे बढ़ेगा इंडिया? हमारा संस्कार और सत्कार तो मिटते जा रहे हैं, ये हमारा संस्कार है और ये हमारा असली सत्कार है अगर बात किया जाए तो, सत्य है कि नहीं महाराज? बिल्कुल, अगर धर्म और संस्कृति की रक्षा करनी है, बिल्कुल बिल्कुल, और धर्म को यथार्थ में जानना है, योग की परिभाषा को अगर सही से जानना है, बिल्कुल, जो अनादि कालों से भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर ने, बिल्कुल गुरु नानक ने जी, और भगवान राम, भगवान बुद्ध, भगवान कृष्ण जो भी हैं जी, जितने भी आपका महापुरुष हैं, अगर संपूर्ण महापुरुषों का उपदेश अगर आप छोटे से ग्रंथ में पढ़ना जानना चाहते हैं तो सिर्फ केवल सिर्फ वर्तमान में ईश्वर के ही आदेश पर ईश्वरीय भाष्य है यथार्थ गीता, इसको आप लोग पढ़िए और पूरे विश्व के जनमानस के लिए उस परमात्मा का जो गीत है, गीत तो आप चुकी बीड़ा चौक पर खड़े हैं, गीता गीता अगर बात कर लिया जाए, गीता बात परमात्मा का आदि गीत, पुरानी पुरानी प्रकाशन है गीता की, अगर बात कर लिया जाए तो उसका यथार्थ बात, यथार्थ यथार्थ गीता है, महापुरुष के द्वारा, महापुरुषों की जिस तरह से इसमें सारी उल्लेख किया गया, हर एक महापुरुष का उल्लेख इसमें बताया गया, लोगों को नहीं पता जो आध्यात्मिक साधना, बिल्कुल बिल्कुल, विभूतियां हमारी अगर मरती जा रही है, आज भी जिंदा करने आप जैसे लोग जिंदा किए हैं उसको, राम के राज को अगर अपने हृदय में स्वानुभूत करना है, उस भगवान की महिमा को अपने हृदय से देखना है, वो साकार परमात्मा का उपासना करनी है, और ऐसे परमात्मा की उपासना की आवश्यकता है जो हमसे बातें करें, हमारा मार्गदर्शन करें, स्वप्न में अंग स्पंदन के माध्यम से जैसे भी वो हमारा विशेष परिस्थिति हमारी मार्गदर्शन करे, तो उसके लिए एक प्रोसेस की आवश्यकता है, जैसे मोबाइल से अगर आपको बात करनी है, गलत नंबर डायल करते रहोगे आप तो आप बात नहीं कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे ही अगर आप धर्म को, अध्यात्म को अगर हृदय से जानना चाहते हैं तो उसके लिए नेटवर्क में, जैसे मोबाइल को नेटवर्क में रहना जरूरी है, बिल्कुल बात करने के लिए, वैसे भगवान और आत्मा का संवाद जागृति के लिए भगवान का जो वार्तालाप जिसे शुरू होता है, वो विधि वो तरीका के लिए आपको परमात्मा के नेटवर्क में रहना होगा, आध्यात्मिक जो साधना है उस साधना विधि करके उसे नेटवर्क को समझ करके कर सकते हो आप, बिल्कुल। अगर बात कर लिया जाए आज तो किस तरह से, तो किस तरह से इसको दे रहे हैं पब्लिक में, कैसे इसको आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है, दिखाओ बेटा, दिखाओ थोड़ा सा, अभी अभी योगी भी, योगी जी भी आए थे, योगी जी के साथ अभी थे और भागवत मोदी जी भी है और अशोक सिंगल भी है, राम मंदिर के जो मेन फाउंडर, बिल्कुल अशोक सिंगल जी माने जाते हैं, हिंदू हृदय सम्राट अपने समय के थे, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उनका सर्टिफिकेट इस यथार्थ गीता में लगा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, आप इसमें दिखा देता हूँ आपको जी, ये यथार्थ गीता ये 30 भाषाओं में है जी,
ये विश्व गुरु का सम्मान इलाहाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस का ये ऐतिहासिक निर्णय लगा हुआ है और विश्व हिंदू परिषद अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद का सर्टिफिकेट बिल्कुल ये अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ विश्व के उपयोगी के लिए उपयोगिता के लिए सर्वोपरि ग्रंथ के रूप में अशोक सिंघल ने इसको स्वीकार किया है विश्व हिंदू परिषद के द्वारा और काशी विद्युत परिषद जो धर्म का निर्णय देती आई है वो निर्णय वो उसका सर्टिफिकेट पराविद्या की परिभाषा विश्व की जो सर्वोपरि जो विद्या है जो ब्रह्म विद्या है उसकी परिभाषा के तौर पर इस यथार्थ गीता को स्वीकार किया है बिल्कुल और इस यथार्थ गीता को भारत करो का सम्मान पत्र विश्व गुरु का सम्मान पत्र इस यथार्थ गीता में लगा हुआ है बिल्कुल बिल्कुल नहीं कहा जाता है जिस तरह से आप देख रहे हैं महाराज जी बता रहे हैं अगर हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि हमारे इतिहास और हमारे भूगोल और हमारे महापुरुषों की कहानी क्या है अगर इसमें आप सच में जाते हैं कृष्णा का वर्णन किया है लोग कहते हैं कृष्ण भगवान बिल्कुल हिंदी मराठी पंजाबी गुजराती उड़िया बंगला अंग्रेजी जर्मन फ्रेंच विश्व के 30 भाषाओं में है यथार्थ गीता को आप नेट पर सुनना चाहते हैं हिंदी के अलावा तो गुजराती मराठी तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ इंग्लिश सभी भाषाओं में बिल्कुल यथार्थ गीता को तो आप आज 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 इस तरह से अगर देखा जाए लता मंगेशकर चौराहे पर आज किस तरह से इसको आप पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं अब हम यहाँ आए हैं पोस्टर यहाँ के जो डीएम साहब को मैंने दिया है यहाँ के जो भी डीएम साहब हैं सब लोगों ने कहा कि ठीक है बाबा अगर गीता बांट रहे हो तो कम से कम जहाँ लोग वीआईपी लोग आ रहे हैं जो श्रद्धालु हैं जो कब कितना गीता बांट चुके अब तक 1,00,000 हमको बांटना है उससे अधिक लेकिन अभी तो मैं 25,000 बांटा हूँ और भी पूरा 10-15 दिन में पूरा बांट करके चला जाऊंगा ध्यान साधना के लिए अच्छा फ्री मतलब निःशुल्क आप देखे हैं सबको निःशुल्क गीता यथार्थ बांटा जा रहा है और लोगों को संदेश एक अच्छा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस यथार्थ गीता को हम पढ़ेंगे तभी हम अपने महापुरुषों को समझ पाएंगे चलिए आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद चलिए मित्रों आज के लिए साहब बने रहे वीडियो के साथ मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस ये मेरे लिए है आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके पूरी टीम के लिए बिल्कुल बिल्कुल अरे वाह।